मैंने पहले वहाँ भी कहा कि नवरात्रा फेस्टिवल हमारा यात्रा को बढ़ाने के लिए था, इस दफ़ा उसको भी फेल कर दिया। ये हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त कटरा के लोगों ने। इसके साथ ही जब मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना टूरिज्म का, तो इन जगहों को हमने डेवलप किया। जैसे आपने कुछ नाम लिया जिनका, अगर आप देखें पिछला रिकॉर्ड, तो नौदेवियों को हमने डेवलप किया, धनसर को हमने डेवलप किया, सियाड़ बाबा को किया, शिवखोड़ी का श्राइन बोर्ड बनाया, वो डेवलप किया था 10 साल पहले जो शुरू हुआ था। आज अगर देखें तो वहाँ इन 10 साल के अंदर, चाहे वो पहले वाले एमएलए रहे या अभी 3-3.5 साल से जो एमएलए ने बने हैं या सरकार बनी है, जो जम्मू के हित की बात करती थी, बीजेपी वाले वोट जब मांगते थे कि हम जम्मू को डेवलप करेंगे, जम्मू में टूरिज्म बढ़ाएंगे, लेकिन 3.5 साल में इन्होंने कोई ऐसा नया काम नहीं शुरू किया इन जगहों में। और नई जगह तो कोई नया डेस्टिनेशन तो बनाना अलग बात है, जो एग्जिस्टिंग है उसको भी इन्होंने ठप कर दिया। जैसे मैंने कहा कि नवरात्रा फेस्टिवल पिछले दिनों हुआ, यहाँ पर बड़ा अच्छा फेस्टिवल होता, लोकल लोग करते थे, लोकल कल्चर बताते थे, झांकियाँ थी, वो भी इन्होंने फेल कर दी। दाएँ बाएँ से लाए वो उन्होंने एडवर्टाइज़ करते हैं, वो एक बैनर लगा कर घूमते थे। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने नवरात्रा फेस्टिवल के अंदर ये जरूर किया कि अगर आज भी आप देखेंगे जम्मू से लेकर कटरा तक कोई 300 के करीब बैनर लगे हैं, मिनिस्टरों के फोटो लगे हैं, वो यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, नवरात्रा फेस्टिवल के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। 300-350 एडवर्टाइज अपनी पूरी की। जैसे इन्होंने नोटबंदी के लिए 21,000 करोड़ रुपये खर्च किया और रिटर्न जो हुआ 16,000 करोड़ हुआ। स्वस्थ भारत अभियान चला रहे हैं, अरबों रुपये खर्च कर दिया।